हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है 131 का, वो की कंडक्ट होने वाला है 15 जुलाई को, मतलब एक महीने 15 दिन केवल आपके पास हैं। और जीके के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और यदि आपने जीके में से 25 में से यदि 20 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपकी रैंकिंग को कितना बूस्टअप मिलने वाला है, ये आप पिछले जो कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे उनसे जान सकते हैं। इसलिए जीके के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनआईए की। एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज टू प्रूव इट्स फर्स्ट ओवरसीज केस ऑन द टेररिस्ट अटैक ऑन गुरुद्वारा लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जो एनआईए है हमारा, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, आपको पता है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? ये लोकेटेड है अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बैग 500 विकेट इन टेस्ट मैच। तो यहाँ पे कौन है? ये हैं आपके अनिल कुंबले, ठीक है, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट में सबसे पहले टेस्ट मैच में 500 विकेट लिए हुए थे। नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ दीज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूएसए जो है इसकी ये चार रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन है, तो कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो जर्मन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और आपको बताना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूट में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी में कई बार आता है, तो इसका आपको ज़रूर आंसर करना होगा, हमने भी कई बार कवर कर रखा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ इन, तो ये कहाँ पर है? ये है आपका नीदरलैंड में। नेक्स्ट, यूनिसेफ वाज फाउंड ऑन, यूनिसेफ कब डिस्कवर किया गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946। और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम ACC 129 जो आपका हुआ था, ठीक है, 129, उसमें पूछा गया था कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। यदि आपने PY को कवर किए हैं तो आंसर आपको ज़रूर पता होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को हैज़ इट्स हेडक्वार्टर अट, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका पेरिस, फ्रांस में। WG ग्रेस इज नोन एज द फादर ऑफ, किसके फादर माने जाते हैं? तो ये क्रिकेट के फादर माने जाते हैं, ठीक है। हु ऑथर्ड द नॉवेल द डेथ ऑफ जीजस, तो ये जो नॉवेल था ये जॉन मैक्सवेल कोट्सी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसके ऑथर कौन है? जॉन मैक्सवेल कोट्सी। नेक्स्ट, दी हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और आप लोगों ने 10 से 15 बार पढ़ा होगा, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? जो WIO है इसका हेडक्वार्टर है WTO का जेनेवा में, ठीक है। हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेम्बर डज UN सिक्योरिटी काउंसिल हैव, तो टोटल कितने? 10 नॉन परमानेंट मेम्बर हैं। द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज प्रीवियसली कॉल्ड, तो पहले इसको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम बिलोंग्स टू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो ये बिलोंग करती है मणिपुर स्टेट से। सुनील छेत्री रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट, तो हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ में आया सुनील छेत्री, जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है इंडियन फुटबॉल टीम से, ठीक है। तो ये किस स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे? फुटबॉल टीम को, बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है, ठीक है, यदि आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपको ज़रूर पता होगा। यूसेन बोल्ट इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट, तो एथलीट, स्प्रिंटर हैं ये। और यहाँ पे ACC 131 का न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है आप लोगों के लिए। ये जो क्रैश कोर्स यदि आपने आज ज्वाइन कर लिया तो ये वादा है कि 15 जुलाई को जब आपका एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, आपकी रैंकिंग तो अब 500 में आएगी। क्योंकि हम इतना विश्वास इसलिए रखते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं लास्ट 5 ईयर से ACC की प्रिपरेशन करा रहे हैं, उनको पता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो विदिन 45 डेज आपको ये सब कुछ सिलेबस जो है टू द पॉइंट एक एक पढ़ा दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट की इस तरह से तैयारी करा दी जाएगी, आप 25 में से 20 क्वेश्चंस वहां पर सही कर आएंगे। तो अभी आपके पास मौका है जिससे कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने पर आपको फुल PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे जो कि आपके ACC एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बने हुए हैं, उसमें कुछ अदर मटेरियल नहीं है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा क्योंकि जितने आपके पास टाइम है उतना स्टडी मटेरियल यदि आपने टाइमली कवर कर लिया तो आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी आने वाली है टॉप 500 में। मैराथन क्लासेस होंगी जिनमें कि आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट आ रहा है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ की, रीजनिंग की, तब तक आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर नहीं आ पाएंगे।
तो ये हम क्लासेस में आपको कराएंगे, मैराथन क्लासेस में रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी जो कि आप एप्लीकेशन के डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये क्लासेस आप जब आपका मन है तब इनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपके संडे को कंडक्ट किए जा रहे हैं जिनसे आप अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हैं आपका कितना तैयारी हुआ है, अपने आप को खुद असेसमेंट करके कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, और वो मॉक टेस्ट जो होगा उसको हम देख कर कि किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो जो भी वीक स्टूडेंट हैं उन पर पर्सनल अटेंशन दिया जाता है इस अकेडमी के द्वारा, इसलिए हम ये स्पेशल बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है 8120745966 इस पर एक बार मैसेज कर दीजिए ACC 131 क्रैश कोर्स। बाकी की जो प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट इसको एनरोल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके इसे एनरोल कर सकते हैं। साथ ही इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल में खुलेगा जैसे ही आप ACC डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। तो अभी आपका जो सपना है अफसर बनने का वो पूरा करना है और ACC 131 को क्लियर करके SSB की तैयारी में लग जाना है। तो अभी के अभी आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एक एक डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, इस तरह के PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी आपकी, इस तरह का डिस्कशन होगा जिसमें आपके स्टूडेंट्स रहेंगे, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, और क्या क्वेश्चंस आता है, किस तरह से उसका अप्रोच करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ आपको इन क्लासेस में बताने वाले हैं। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। और जो हमारे 130 के टॉपर्स रहे हैं उनके फीडबैक आप देख सकते हैं कि उनकी जो रैंकिंग थी, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे कि जो लास्ट मंथ में ज्वाइन किए थे लेकिन उनकी रैंकिंग अंडर 200 आई है, अंडर 500 आई है, इवन रैंकिंग 15, रैंकिंग 9, ये कैंडिडेट्स थे ACC डिफेंस अकेडमी के साथ में जो कि कम समय में अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, बस शर्त है कि जो गाइडलाइन हमारे द्वारा दी जा रही है उनको आपको केवल फॉलो करना होगा। यदि ACC की बुकलेट्स है जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं अपने एड्रेस पर, जिससे कि आपको थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स सब कुछ इन बुक्स में मिल जाएगा, स्पेशल एडिशन की ये बुक्स आपको आपके एड्रेस पर विदिन 5 वर्किंग डे डिलीवर कर दी जाएगी, और इसका शिपिंग का भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। केवल आपको ये जो नंबर है इस पर मैसेज करना होगा और आपकी जो बुकलेट्स हैं ACC की प्रिपरेशन के लिए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर्स जिनसे आपका पेपर बनता है, वो आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएंगी। तो इन्हें ऑर्डर करने के लिए भी आप सेम ये जो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर टाइप कर दीजिए ACC 131 न्यू बुकलेट्स। तो आपको आगे क्या करना है, किस तरह से ये आपको सेंड की जाएंगी, सब कुछ बता दिया जाएगा आसानी से। ठीक है, तो अभी के अभी ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, कहीं कोई मौका मत छोड़िए। आपके लिए यदि आधा घंटा भी मिल रहा है तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आपके करें, क्योंकि अभी आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको एग्ज़ाम के बाद आसानी रहेगी, उतना आप फ्री होकर SSB की तैयारी कर पाएंगे। सो वंस अगेन वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी करते रहिए, वहाँ की कहीं कोई डाउट और प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ बने हुए हैं। थैंक यू।